सॉरी, आज आज हम लोग आए हुए हैं इस्कॉन टेम्पल। देखिए इस्कॉन टेम्पल बिल्कुल आपके सामने, और ये इस्कॉन टेम्पल से सटा हुआ गार्डन जहाँ पे इवनिंग में लोग आके बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, अपना इवनिंग टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल ग्रीन एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन है ये गार्डन पूरा, आप देख सकते हो। एंड लोग टहलते हुए शाम के वक्त में, ये पूरा गार्डन बिल्कुल ग्रीन क्लीन, आप यहाँ आके टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ये बिल्कुल नेहरू प्लेस से सटा हुआ है आपका, और इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल सामने है। ओके, तो आइए। यहाँ से पॉज कर, पॉज 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 कर दो ना। ठीक है ठीक है ठीक है। सर आप इधर जॉब करते हो क्या सर? कि आप देख रहे हैं पूरा गार्डन, और ये वन ऑफ माय फ्रेंड। हेलो, हाउ आर यू? आप इस्कॉन टेम्पल से आ रहे हैं राइट? जी। तो कैसा लगा इस्कॉन टेम्पल आपको? ये वैसे भी वर्ल्ड फेमस है, इस्कॉन टेम्पल हेरिटेज में है। ओके, तो आप यहाँ पे जॉब करते हो? जी। ओके, यू आर वर्किंग हियर राइट? हाँ। तो कैसा लगा सर आपको इस्कॉन टेम्पल? वेरी बेस्ट, थोड़ा सा अट्रैक्टेड है। ओके ओके, हाँ स्पिरिचुअल होता है, अपनी ओर आकर्षित करता है लोगों का। ओके ओके ओके। और कुछ ऐसे संस्कार जैसे वहाँ पर जैसे श्री कृष्ण जी की वहाँ मूर्तियाँ वगैरह हैं, और कुछ ज्यादा से अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ओके ओके। अच्छी अच्छी वहाँ पास उनकी स्मृति है, स्टैचू वगैरह हैं। हाँ, अभी हम लोग क्या है इस्कॉन टेम्पल की तरफ ही बढ़ रहे थे। जी जी। तो आपको देखा तो? हाँ जी, तो जी, हमने वहाँ पूरा भी घूम कर आ रहा हूँ मैं अभी। जी 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 जी। बहुत अच्छा वहाँ का सौंदर्य दर्शन हुआ है, श्री कृष्ण जी की राधा जी की, और उनके बारे में कुछ लिखा हुआ, कुछ ऐतिहासिक चीजें लिखी हुई हैं जो बहुत ही पुरानी है। पॉज पॉज इट, बहुत ही पुरानी है वो, उनको लग। हाँ, तो क्या हम लोग कहाँ पे थे सर? हाँ, तो हम अभी, मैंने अभी इस्कॉन टेम्पल पूरा भ्रमण कर घूम करके आया जी। तो उसमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जैसे वहाँ देखने को मिली, जैसे पुराने पुराणों की कथाएं वहाँ लिखी हुई हैं, और कुछ पुराने स्टैचूज वगैरह। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर, हमारे साथ ये हरे कृष्णा लोटस टेम्पल से आ चुके हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इंट्रोड्यूस करा देते हैं सर। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी हरिदास। लक्ष्मी हरिदास सर, आप मंदिर पर ही रहते हैं? हाँ। मंदिर इस्कॉन टेम्पल के बारे में दो लाइन बताएंगे हमें। इस्कॉन जो है पूरे विश्व में गीता भागवत ज्ञान का प्रचार करती है जी, ताकि जो मनु ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, मनुष्य जीवन है जी, उसका जी, जो गोल जी, है जी, टू अटेन द रियल डेस्टिनेशन, रियल डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ, लाइफ यस, एंड गेट आउट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। साइकिल ऑफ बर्थ यस, दिस इज द राइट प्लेस टू गेट आउट ऑफ योर बर्थ, योर कमिंग बर्थ, रियल होम। या एंड यू विल अचीव योर रियल होम, गो बैक टू गॉडहेड, बैक टू होम। Yeah, yeah, yeah. Got it back to home. Yeah, sure. And we also known about this a lot, but we are having more knowledge. Than 1,000 temples across the world, yeah, the planet, yeah. Okay. And millions of followers from okay. America, Australia, England, France, Germany, everywhere, all okay. part of the world. Even okay, the okay. Muslim country, we do preaching in Pakistan, Iran, and like the most, you know, militant affected area. That's like, you know, the militancy is extreme. Okay, it's a stream. To save the humanity. Okay. Preaching Sanatan Dharma. Preaching Sanatan Dharma. Dharma for the soul. Okay, okay. That's great. All religion like is sects, like divides. But this Sanatan Dharma unite everyone. Like unite the everyone. The knowledge of Bhagavad Gita. Knowledge of course. And, so. And Krishna says in Bhagavad Gita. And what is the basic mantra for chanting us? Hare Krishna mantra. Hare Krishna Mahamantra. The chanting of Hare Krishna Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Rama Rama, Hare Hare. Great, great, great. बहुत अच्छा लगा। ओके, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। हरे राम, हरे कृष्ण। जैसे आप अभी देखें हमारे इस्कॉन टेम्पल के, हमारे पंडित जी मिले हैं आपसे, तो उन्होंने बताया इस्कॉन टेम्पल के बारे में कि वो बहुत ही पुराने, बहुत ही भगवत गीता में उनका बहुत। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो इस्कॉन टेम्पल में मैं आपसे बता रहा था कि इस्कॉन टेम्पल में भगवत गीता में बहुत उसके पूर्वजों ने जो कुछ कहा है, जो कुछ लिखा है, तो आदिकाल के उनके महान पूर्वजों ने, तो उनकी गाथाएँ गाई गई है इसमें। जैसे श्री कृष्ण की गाथाएँ यहाँ पर गाई गई, उनकी महाभारत की गाथाएँ भी इसमें कई गाई गई हैं,
कि अर्जुन है ऐसे और अर्जुन है, नकुल है, भीम है, सहदेव, जितने हैं सारे उसमें गाथाएं उसमें गाई गई है, उन्हीं का असुर है यहाँ पास। जो हमारे विदेशी के पर्यटक आते हैं, जैसे USA से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इट्स एवरीथिंग, बहुत सारे देश, एवरीवेयर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके, नाम मेरा अंकित कुमार राणा। अंकित कुमार सर, सर मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद से सर, स्पेशल इस्कॉन टेम्पल घूम लिया आया हूँ। बहुत बड़े फैन हैं। जी जी। ओके ओके, तो इस्कॉन टेम्पल मुझे अच्छा लगा उनमें से, और यहाँ बहुत ही दोस्त लोग। अभी देखिए, मैं अभी तो आया हूँ, फिलहाल 2019 में आया हूँ। अब देखिए, अभी फिर आऊँगा, एक पिछले साल तो आना, हर साल मैं आता हूँ वैसे तो यहाँ पर। कृष्ण भगवान से रहेंगे। जी 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 सर। फिलहाल हमारा चैनल का नाम है टोटल टेक्नोलॉजी न्यूज यूट्यूब चैनल। आप हमें वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। जी जरूर। फिर मिलते हैं। वेलकम। ओके, हरे कृष्णा हरे रामा। ओके, हरे कृष्णा हरे रामा सर। चलिए, कंटिन्यू वीडियो को हम चलते हैं थोड़ा आगे। और फिर जैसा कि गाइस, ये हमारे मित्र अंकित जी, अभी पता चला जस्ट कि ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज चैनल है इनके यूट्यूब पे। आप आगे आगे की बातें आप बताइए। कौन सा चैनल है सर आपका? सर मेरा चैनल वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ इलाहाबाद मिस्ट्रीज। इस चैनल पे ऐसे कि जो छुपी हुई सभ्यताएं हैं देश की, उनको मुझे इसकी चैनल के थ्रू लोगों को बताना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप इस चैनल का, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कृपया वहाँ सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, एंड वीडियोस देखें। और बिल्कुल दोस्तों, ये अंकित जी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए। चैनल का नाम ये द वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ इलाहाबाद मिस्ट्री। द वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ इलाहाबाद मिस्ट्री, इलाहाबाद ये इनका चैनल है। और चैनल हम लोग जल्द से जल्द इलाहाबाद विजिट करने की कोशिश करेंगे और अंकित जी के साथ हम लोग इलाहाबाद घूमेंगे और इलाहाबाद के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे हमारे चैनल पे, और अंकित जी से हम लोग जुड़ेंगे, हम लोग मिल के कॉलैब भी करेंगे इन फ्यूचर। सो गाइज, देन इधर कवर कर। चलिए सर, फिर अच्छा, राम राम, फिर मिलते हैं। ओके, चलो अशोक जी से फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए ठीक है अशोक जी, चलिए बाय। हाय गाइस, जैसा कि आपने देखा, हम दो लोगों से मिल चुके हैं। हाँ, हम लोग दो लोगों से मुलाकात की और उनके बारे में जो है सारी जानकारी, जो इस्कॉन टेंपल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, एक तो हमें इस्कॉन टेंपल के बाबा जी मिल गए, जिन्होंने अपनी सारी जो बेसिक जानकारी होती है इस्कॉन टेंपल के बारे में, क्या बेसिक मंत्राज हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, और ये सब चीज़ें जान के मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ऑफकोर्स आपको भी फील होगा, एक बार जुड़िए आप इस्कॉन टेंपल के बारे में, कुछ जानकारी अगर चाहिए आप यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं, जान सकते हैं। हम लोग भी इसको समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड हम लोग इस्कॉन टेंपल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और इस्कॉन टेंपल पे के बढ़ने से पहले आप ये नज़ारा देखिए, इतने सुंदर जो यहाँ पे गार्डन्स में ये जो बने हुए हैं हमारे, आप देख सकते हो जैसा। और हम लोग इस्कॉन टेंपल के नज़दीक बढ़ते हुए, आइए चलते हैं। बहुत ही अद्भुत, अमेजिंग। आप दिल्ली जैसे शहर में सोच भी नहीं सकते, पॉल्यूशन से हट के ऐसी जगह हैं, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट के साथ। यहाँ पे पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है, नेहरू प्लेस के ठीक बगल सटा हुआ ये एरिया है। बट और आप देखो सामने बिल्कुल इस्कॉन टेंपल, ये जैसे ही हम लोग ये चढ़ान चढ़ते हैं सीधा इस्कॉन टेंपल आने वाला है। यहाँ पे आइसक्रीम की रेडियाँ लगी है, आप कभी बोर हो जाओ बैठे बैठे तो आइसक्रीम का भी मज़ा ले सकते हो, अच्छे अच्छे फ्लेवर से। क्रीम बेल कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके आइसक्रीम्स वैसे भी फेमस हैं। एंड
अब बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हुए ये हमारे सामने इस्कॉन टेम्पल। जी बिल्कुल, ये सामने जो पंडाल लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, बिल्कुल धूमधाम, इतनी भीड़ होती है, आप लाइन में घंटों तक लग के तब जाके आप श्याम जी के दर्शन कर सकते हो। बहुत ही अद्भुत। आ चुके हैं हम बिल्कुल नज़दीक इस्कॉन टेम्पल, यहाँ से साफ दिखता हुआ। और आइए आपको लेके चलते हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ, इस्कॉन टेम्पल की तरफ लेके चलते हैं सीधा। ये छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ ये एरिया इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल ही पास। जैसा कि इस यहाँ से खड़े होके आप नेहरू प्लेस का भी नज़ारा ले सकते हो, इसके ठीक पीछे इस्कॉन टेम्पल है जहाँ से हम लोग ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और नेहरू प्लेस का ये पूरा एरिया, ये बड़ी बड़ी दो बिल्डिंग है, इरोज होटल है, और इरोज होटल्स का जो ये ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, एंड ये पूरा ग्रीन ग्रीन एरिया। तो गाइस ये फाइनली आप इस्कॉन टेंपल के बिल्कुल सामने, ये साफ साफ अक्षरों में आप देख सकते हो इस्कॉन लिखा हुआ। और ये बहुत ही इसका जो वो है डिज़ाइन आप देख रहे हो, बिल्कुल अद्भुत डिज़ाइन, बिल्कुल डिफ्रेंट। एंड जैसा कि आप देख रहे हो ये इस्कॉन टेंपल हमारे बिल्कुल पास। तो आइए हम लोग हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र के साथ इस्कॉन टेंपल में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए फिर चलते हैं, ये आगे से रास्ता है, ये बिल्कुल पहाड़ वाला क्षेत्र है, पूरा पूरा पहाड़ी सा एरिया यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा बैक साइड, इस्कॉन टेंपल के बैक साइड का कॉरिडोर है। जन्माष्टमी के लिए तैयारियां चल रही हैं। हाँ हाँ हाँ, जन्माष्टमी की तैयारी पूरे जोरों पर है, और जन्माष्टमी में आने का यहाँ पे आनंद ही अलग है। बट यहाँ पे दर्शन के लिए लंबी कतार होती है, तो आपको हो सकता है दर्शन के लिए 3-4 घंटे भी लग जाएँ, इसमें नो डाउट। पिछले साल मैं आया था अपने फैमिली के साथ, हमारे अंकल जी दिल्ली विजिट करने आए थे, तो उनके साथ जब मैं आया था गाइस, तो फिर यहाँ पे 4 घंटे का वक्त लगने वाला था। फिर मैंने अंकल आंटी को बोला कि आप लोग चलो। ये सारी तैयारियाँ जो है जन्माष्टमी की तैयारियाँ, और अगर आपको यहाँ पे विजिट करना हो तो आप जल्दी से जल्दी आ जाना अर्ली, क्योंकि शाम में अगर आप आओगे तो शाम में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली बहुत लंबी कतार होती है। वैसे आप प्रसाद पाने के लिए आ सकते हो, आप एंट्री गेट पे, हम लोग बिल्कुल आ चुके हैं। ये देखिए पंडाल, ये देखिए पंडाल, ये देखिए पंडाल। और ये उधर और भी ज़्यादा है, यहाँ पे तो सिर्फ एंट्री के जो लोग आते हैं विजिटर्स। हाँ, ये बिल्कुल विजिटर्स के लिए यहाँ पे बैठने की व्यवस्था बन रही है। और ये हमारे जन्माष्टमी महोत्सव के लिए पहले से ही कार्यक्रम की पूरी जो है रूपरेखा यहाँ पे तैयार की गई है। ये यहाँ पे और ये आप इसको 3 सितंबर 2018 कार्यक्रम पर 4 बजे से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव सोमवार 3 दिसंबर 2018 को कार्यक्रम प्रातः 4 बजे
30 मिनट से रात्रि 12:30 तक चलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं वही मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस श्री कृष्णा, ये रे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। और इसके एंट्री गेट में, ये एंट्री गेट है, यहाँ पे हमें वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, करना पड़ेगा। हाँ ये सिक्योरिटी रीजन के का, मैं लैपटॉप ऑन करके गार्ड साहब को दिखाता हूँ। ठीक है सर, ओके धन्यवाद सर। चलिए बैग चेक कर ले आप। द्वार में पधारे हैं अपन और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ जो है अनुराग भाई और राज भाई हैं, हम तीनों मिलके एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे इस लोकेशन को। तो गाइस हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर और आप देख सकते हैं ये भव्य जो पंडाल की जो ये तैयारियां चल रही है। यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन यहाँ से आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे भोग जो भोग वाले जो प्रसाद हैं यहाँ पे हाथ यहीं पे मिलते हैं। ये सारा जो है एरिया कवर कर लो। ये देखिए ग्रीन ग्रीन लाइटों से बिल्कुल हमारे जो पौधे बिल्कुल सजे हुए, ये आपको बहुत ही आँखों को बहुत ही सुख देते हुए बहुत ही अच्छा माहौल और अच्छा वातावरण। प्रभु का द्वार ऐसा ही होता है जैसा कि आप समझ सकते हो। और कंप्लीट व्यू ऑफ इस्कॉन टेंपल, आप जन्माष्टमी के दिन इतने इत्मीनान से इस नज़ारे को व्यू नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। इधर होता है सामने लेजर लाइट शो, बहुत सारे दर्शक होते हैं यहाँ पे जो दर्शन के लिए आते हैं, लेजर लाइट शो होता है। और यहाँ पे शाम के वक्त लेज़र लाइट शो भी होता है जैसा कि अभी पता चला मुझे, यहाँ पे होता है ये लेज़र लाइट शो होता है। तो आप लेज़र लाइट शो देखने के लिए भी पधार सकते हैं। उसकी फ़ीस वगैरह की जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारा ये डिटेल मैं नीचे आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड ये पानी का फव्वारा, ये काम नहीं कर रहा। वाओ मैं पहली बार आया। ये देखो सकते हो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, कृष्ण भगवान की मूर्ति। उधर से अभी दिखाऊंगा इसका एंगल चेंज करके, इधर से भी दिख पा रही है। ये है आज का, यहाँ पे डेकोरेशन की तैयारियाँ जारी है। हाँ ये हम लोग प्रांगण में बैठे हुए वाले हैं। ये सब सारा व्यू में कवर हो जाएगा इसके लिए। रुको ये मंदिर के प्रांगण पे अनिवार्य है।
नज़ारा दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं। बाकी हमारे विवेक भाई अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर का। ये यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इस तरह से जो हमने एंट्री करा था वो एंट्री गेट आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे पूरा हो चुका है। यहाँ पे वीडियो भी स्टॉप करते हैं। आगे कंटिन्यू। हाँ, हरे कृष्णा। जैसा कि हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। तो मेरा नाम विवेक है सर। ओके, तो हम ओके थैंक यू। आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। ओके, आपने सुना उद्गार के बारे में? उद्गार के बारे में नहीं पता, आप मुझे कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे? हमें उद्गार जो है ये सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल है जो इस्कॉन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी जी। नॉर्मली इस्कॉन इज रनिंग अ वैल्यू अवेयरनेस कैंपेन इन विच द फर्स्ट स्टेप इज दिस उद्गार फेस्टिवल। ओके, तो आप देख सकते हो हमारे जो थीम है वो है बिल्डिंग इंडिया अपन वैल्यूज। लाइक एज यू कैन सी इन द सोसाइटी लाइक हाउ मच डिग्रेडेशन इज हैपनिंग। ये उद्गार कहाँ पे होता है सर? हम ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। ओके, इंडोर इंदिरा गांधी स्टेडियम। ओके, मिस्टर विवेक बिंद्रा एक्चुअली टोल्ड मी ऑन यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आई एम अ रेगुलर सब्सक्राइबर ऑफ हिम एंड वॉचिंग डे बाई डे चैनल। सो विवेक बिंद्रा एक्चुअली आस्क अबाउट की इफ यू आर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड टू गो उद्गार फेस्टिवल देन यू कैन विजिट द चैनल एंड ऑल। And उन्होंने नंबर भी दिए हैं हमें। But you can also register through volunteers. Okay, like volunteers us. From like we are registering today. बिल्कुल, so, हम लोग यहाँ पे register करना चाहेंगे सर। Yeah, the fees is only 100 rupees. Okay. And it's nothing, you know, we have such a wide spectrum of programs. Mm-hmm. Like, you know, Mr. Prakash Javedkar, he's the education minister. Okay, education minister will be there. He's coming also. We have various leaders from ISKCON who are coming. And we are, you know the Madhavas rock band? Sorry? Madhavas rock band. हाँ, नाम कभी कभी माइंड से गुजरा है। दे आर रॉक बैंड फ्रॉम इस्कॉन। दे डू फ्यूजन म्यूजिक, कीर्तन विद मॉडर्न म्यूजिक। ओके, एंड दे केम आउट सेकंड इन इंडियाज गॉट टैलेंट। ओके, सेकंड इंडियाज। सो दे आर कमिंग आल्सो। ओके, दे आर आल्सो कमिंग। सो मेनी प्रोग्राम्स लाइक यू डिफरेंट डिफरेंट कल्चर यू आर गोइंग टू शो देयर। या, एंड स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट देयर इज अ बेस्ट प्लेस टू विजिट देयर। या, एंड आल्सो वी आर गिविंग फुल डिनर। या, यू कैन फुल डिनर प्रोग्राम आल्सो। We won't let you go hungry. Okay. Okay, nice to get the knowledge about Udgar festival here.
सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर हरे हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पिछले उद्गार का है सिरी फोर्ट में हुआ था, आप देख सकते हो कई पॉलिटिशियंस आए थे, इस्कॉन के लीडर्स आए थे। ये ही इज द वन हु ऑर्गेनाइज्ड दिस उद्गार, हिज नेम इज हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी, इज एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। ओह ग्रेट, सो दिस आवर डिग्निटरीज हु केम। अच्छा मिस्टर संबित पात्रा आल्सो, या ही केम, ही गेव अ वेरी पावरफुल स्पीच ऑन दैट डे। एंड दीस आर द एरियाज इन द कॉलेज फ्रॉम वेयर आवर स्टूडेंट्स दे कम। IIT Delhi, the artist. Some of the artists were like professional actors. They work in TV serials and okay, all. Okay, working channels. Yeah. Then करवा लो हाथों हाथ, ताकि हम लोग इसको, क्योंकि सीटें फुल ना हो जाए उससे पहले. Like we have reached 5,000 registration. 5,000 registration. And we are planning to close the registration in 2-3 days. 2-3 days ना? Yeah. Yeah, speed. Okay. So guys, I'm going to register myself for this great festival Udgar here at ISKCON Temple. So what is the procedure, sir? So we are registering through app. Okay. Like you'll get the ticket by mail. Okay, by mail. Okay, yeah. Fine. First, you give me your phone number. Yeah, my phone number is 828. There's no doubt. And email address. जैसा कि अभी आपने पूरा जो ये दर्शन किया ISKCON Temple का और ये जो पास में समीप में garden है उसका दर्शन किया, तो आप देख सकते हो कि कितना ही अद्भुत दृश्य था। हमने बहुत सारे अनुभवी लोगों से भी बातें करी इसके, है ना, और सारी बातों को करने के बाद हमने ये देखा कि आप अगर घर से निकलना चाहते हो घूमने के लिए तो ये ISKCON टेम्पल वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू समझ रहे हो आप, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर और कूल जगह है। आप बिल्कुल भक्तिभाव में सब कुछ भूल जाओगे आप कुछ देर के लिए। एंड बाकी हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो कि